लोग के साथ नहीं पढ़ूंगा। मेरे पापा मेरे लिए बहुत बढ़िया स्कूल ढूंढ रहे हैं। आरपी हाई स्कूल। आरपी जो अजमेर का सबसे बड़ा स्कूल है। हाँ वही। बहुत जल्दी मेरे पापा वहाँ एडमिशन करवाएंगे। पता वहाँ पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। मैं तो सबसे पहले स्केटिंग करूँगा और फिर अपने पैरों में पहिए लगाकर हनुमान गली में जूम जूम घूमूंगा। लॉन टेनिस खेलूंगा। गोलू भैया जब मीना चाची और विक्रम चाचा आ जाएंगे ना, आप भी वार्ड मिशन ले लेना, मिलकर खूब मजा करेंगे। नहीं भाई नहीं, मुझे तो ये भागने दौड़ने के खेल सुनते ही चक्कर आने लगते। मैं नहीं जाऊंगा, तू जाओ स्कूल में। ठीक है मैं तो जाऊंगा। नहीं सूरज जी, वेद आरबी हाई स्कूल नहीं जाएगा। अरे उसके कह देने भर से हम उसका स्कूल बदल दें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है सूरज जी। और आप ना उसकी हर डिमांड को पूरी करने की आदत छोड़ दीजिए। संध्या जी, मैं कोई सुनी सुनी बात नहीं कर रहा हूँ, अरे खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ। बहुत ही अच्छा स्कूल है, अच्छी पढ़ाई है, हर तरह का खेल कूद है। देखिए कोई अच्छी बात है इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, आप जरा ध्यान से सोचिए समझिए। सूरज जी मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही, लेकिन हाँ वेद की ये डिमांड पूरी करना मुझसे नहीं होगा। अरे आज उसको आरबी हाई स्कूल अच्छा लगा, कल कुछ और अच्छा लगेगा। तो बच्चों की इच्छा का कोई अंत नहीं होता सूरज जी, और कल को उसकी कोई ऐसी जिद होगी जो हम पूरी ना कर पाए फिर। अरे ऐसी बात नहीं है, देखिए ये इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकते। और रही बात आरबी हाई स्कूल की फीस की, उसकी आप चिंता ना करें, मैं हूँ, उसके लिए मैं सब कर लूंगा। बात सिर्फ फीस की नहीं है सूरज जी। हाँ लेकिन ना ये कोई छोटा मोटा मुद्दा भी नहीं है, अगर वेद उस स्कूल में जाता है तो उसकी फीस बाकी सारे बच्चों की फीस से ज्यादा होगी, और उससे भी बड़ी बात है उसकी वो डिमांड पूरी करना। आज आरबी हाई स्कूल में जाना है, कल स्कूल छोड़ने की बात करेगा, तब भी आप उसकी जिद के आगे ऐसे ही झुक जाएंगे। अरे नहीं संध्या जी, फिर कैसी बातें कर रही हैं आप, भला मैं। सूरज जी मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि हम उसके माँ बाप हैं, वो हमारा बच्चा है, उसकी जिंदगी के सारे सही फैसले हमें लेने हैं, वो हमें नहीं बताएगा कि उसको कौन सा फैसला पसंद है। पसंद उसकी है, फैसला आपका और मेरा है, और भला उसके पसंद के स्कूल में भेजने में हर्ज क्या है संध्या जी। हर्ज है सूरज जी, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं जिद है, उसे अच्छी पढ़ाई चाहिए ना, वो तो उसे स्कूल में मिल रही है। रही बात उसके स्केटिंग के, नए शौक की ना, तो वो मैं उसका इंतजाम भी कर दूंगी। अरे तो स्कूल में भेजने में क्या हर्ज है, वहीं पे भेज दो ना। क्यों भेज दूं? नहीं भेजूंगी। अरे वो चाहता है तो उसका स्कूल बदल दे। आप भी ना सूरज जी ज्यादा हिम्मत मत लिया कीजिए उसकी। चंद्र जी बात अगर स्केटिंग की होती ना तो मैं मान लेता एक टाइम के लिए, पर क्या ना कि बात हमारे बेटे की है, उसके भविष्य की है, उसकी पसंद की है, उसकी खेल कूद की है, और फिर वेद का स्कूल में मन आ गया है। प्लीज मान जाइए ना, मैं अपने बेटे को निराश नहीं कर सकता। यही तो प्रॉब्लम है कि आप उसे नाराज नहीं कर सकते, आपको ना उसकी सारी इच्छाएं पूरी करनी है। नहीं सूरज जी हमें उसे ना सुनने की आदत डलवानी पड़ेगी, ताकि आगे चलकर जब वो जिंदगी में ना सुने ना तो उसका दिल और हौसला ना टूटे। कह दीजिए उसे कि वो आरबी हाई स्कूल में नहीं जाएगा, मैं उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकती। कौन सी मिट्टी की बनी है आप संध्या जी, बात तो सुनो। बहुत बुरी है मम्मा, बहुत। अगर वो मुझसे प्यार करती तो कभी आरबी स्कूल का मना नहीं करती। मुझे आरबी हाई स्कूल जाना ही है, मुझे उसी वंश के स्कूल में जाना है बस। संतोष सरफी बोल रही है, सर फिर गया क्या सारा? अरे उसे शेल्फी कहते हैं, शेल्फी। चुप। हाँ हाँ सब जानू, जैसे मारे को कुछ पता ही ना। जब फोटो खींचना बंद कर दे, वरना जब फोन ने ना चूल्हे में डाल दूंगी। जल्दी से नाश्ता कर ले, स्कूल को नहीं जानो के?
और तू के दांत दिखावे। चल नाश्तो कर, कपड़ा बदलना है थारे को, इसे ही कपड़े में जावे गो। सूरज जी भी पता नहीं कहाँ निकल गए हैं, फोन भी नहीं उठा रहे। कल रात को भी मुंह फुला के ही सो गए थे। मम्मा, पापा का सिर बहुत दर्द कर रहा है। मैंने पढ़ा था जेटलैग, मतलब जब भी कोई प्लेन से बहुत लंबा ट्रैवल करके आता है उसका सर दर्द करता है। एक मिनट रुको। मम्मा टैबलेट, सरदर्द में तो बाम लगाना सही रहेगा। मैं पापा को बाम लगा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, बाम से आपके हाथ जलेंगे। आप पापा को यही दवाई खिला दीजिए। कोई बात नहीं मामा, पापा हमारे लिए इतनी दूर पैसे कमाने गए थे, मैंने कहा तो जॉब छोड़कर भी आ गए, बस ये पापा का सरदर्द ठीक हो जाए। मैं ना बाम लगा देती हूँ और थोड़ी सी तो जलन होगी, कोई नहीं। देखा मैंने, बाप से टाबरों का ऐसे ही रिश्ता हुए, चोट एक ने लगे है, दर्द दूजे ने हुए। हेलो, मैं आई एम हियर एडमिशन। यू वांट एडमिशन फॉर योर सन? यू वांट एडमिशन फॉर योर सन राइट? वेदराटी विच स्टैंडर्ड? आई एम फादर ऑफ हिज। विच स्टैंडर्ड यू वांट एडमिशन फॉर योर सन? सही बोला आपने। Which standard? Which class? Class? First? Class first. Okay. Okay. Where do you reside? Where do you stay? Where do you reside? Where do you stay? Yes, you. My son? My son? No. Hanuman Gali? Hanuman Gali. अजमेर। ओके। पापा पुष्कर। ओके। योर प्रोफेशन, विच प्रोफेशन यू आर इन टू? व्हाट? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।